डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। क्या कहा हमने? श्वसन और गैसों का विनिमय, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित जीवधारी होते हैं, बाहर की ली हुई ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है, कोशिका के अंदर यानी कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, और उस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा का अपने जैविक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। तो श्वसन की परिभाषा क्या होती है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित जीवधारी वातावरण से ऑक्सीजन लेकर के कोशिका के अंदर कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा का वो जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन की परिभाषा हो गई। रेस्पिरेशन क्या है? तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टफ्स एंड वी गेट्स एनर्जी नोन एज रेस्पिरेशन। आप एक वाक्य में कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी सोर्स ऑफ एटीपी। ठीक है, तो श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवधारी करते हैं और श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का एक तरह से वो कैटाबोलिज्म करके, है ना, अपचय की क्रिया करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है और उस ऊर्जा का जैविक क्रियाओं में उस जैविक क्रियाओं में उनके द्वारा भाग लिया जाता है। साथ ही साथ श्वसन के कौन कौन अंग होते हैं, जीवधारी श्वसन करते हैं तो किस अंगों के द्वारा करते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें अलग अलग श्वसन के अंग होते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है, तो इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो शरीर की सतह से, बॉडी सरफेस से श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी बॉडी के सरफेस से, शरीर के सतह से। फॉर एग्जांपल, आप अमीबा को ले सकते हैं, स्पंज को ले सकते हैं, और चपटे कृमि भी होते हैं, यानी बाहर की जो वातावरणीय हवा आती है उस ऑक्सीजन के द्वारा ये शरीर के सतह पर ही वो ऑक्सीजन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर इनका शरीर सतह ही अंग होता है। इसके अलावा कह रहा है कि त्वचा के द्वारा कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जो त्वचा के द्वारा, है ना, स्किन के द्वारा जो है वो श्वसन की क्रिया करते हैं, जैसे कि एनिलिड्स होते हैं। एनिलिड्स में जैसे केचुआ आता है, अन्य एनिलिड्स आते हैं, वो भी त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। फिर केचुआ है, मेढक है, मेढक एम्फीबिया वर्ग का है और वह भी अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। इसके अलावा क्लोम्स, ये गिल्स के द्वारा यानी गलफड़े के द्वारा क्लोम होते हैं, इनके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, जैसे कि जलीय मोलस्क होते हैं, जैसे कि मछली है, ठीक है, जलीय आर्थ्रोपोड्स हैं, कीट वगैरह जो जल में पाए जाने वाले कीट होते हैं, वो क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा जो है श्वसन की क्रिया करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि श्वास नलियों के द्वारा यानी ट्रैकिट्स के द्वारा जो है, ट्रैकी के द्वारा कुछ जंतु जो है श्वसन की क्रिया करते हैं, इसमें कि जैसे कीट होते हैं, कीट और तिलचट्टा है ना, जितने भी इंसेक्ट हैं उनके अंदर ट्रैकी पाए जाते हैं और ट्रैकी यानी श्वास नली होती है, उनके द्वारा ये श्वसन की क्रिया करते हैं। और बाहर जैसे कॉकरोच को आप ले लेंगे, बाहर की तरफ जो है उसमें श्वास रंध्र पाए जाते हैं
और उस श्वास रंध्र के द्वारा स्पाइरकल्स के द्वारा बाहरी ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है और ट्रैकी में प्रवेश करती है और अंदर पूरा एक ट्रैकियल सिस्टम कॉकरोच के अंदर बना हुआ है और उस ट्रैकियल सिस्टम में ऑक्सीजन प्रवेश करके और फिर ग्लूकोज या अन्य जो पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद फेफड़े के द्वारा जो डेवलप्ड या कह सकते हैं कि एक तरह से विकसित प्रकार के जंतु होते हैं, फेफड़े के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। जैसे कि पक्षियां जो होती हैं वो वायु कोष युक्त फेफड़े उनके अंदर होता है और उनसे श्वसन की क्रिया करती हैं। इसके अलावा मेंढक भी होता है, ये भी फेफड़े के द्वारा लंग्स के द्वारा श्वसन करता है। ससक जो स्तनधारी वर्ग का सदस्य होता है यह भी लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन की क्रिया करता है और मनुष्य भी जो है श्वसन की क्रिया करता है अपने लंग्स के द्वारा। तो बहुत यूनिक पार्ट होता है लंग्स, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड फेनोमेनन ऑफ लंग्स, वो आगे हम आपको चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करना है। इसके पहले ह्यूमन रेस्पिरेशन के पहले हम बात करेंगे, देखिए बाहर से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन आती है फेफड़े में प्रवेश करती है और फेफड़े के अंदर जो है करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं एल्वियोलाई पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन जाता है और फिर रुधिर और बाहरी ऑक्सीजन जो फेफड़े में कोशिकाओं में आई है, रुधिर के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिका से कोशिका में आती है और कोशिका से ऑक्सीजन जो है वो कोशिका में जाती है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। और फिर वायुमंडल में जो है एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होती है और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन से, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है लास्ट में। इस एनर्जी का हम उपयोग अपने जैविक क्रिया में करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में करते हैं। तो आइए मनुष्य में क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में यहाँ पे हम एक चर्चा करेंगे। तो मनुष्य के अंदर जो है देखा जाता है, मनुष्य के नासिका का बाह्य स्ट्रक्चर एक आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये रूट जो होता है नासिका का, ये रूट है और इसके अलावा बॉडी ऑफ नोज, ये बॉडी नोज होती है। फिर इसका जो अपेक्स है, ये नोज का ये अपेक्स पाया जाता है। साथ ही साथ बॉडी ऑफ नोज और रूट के बीच में एक ब्रिज पाया जाता है, इसको ब्रिज बोलते हैं, ये जो पोजीशन है ब्रिज का है, ठीक है। नास्ट्रिल, ये नास्ट्रिल है। तो इस तरह से मनुष्य के मतलब नासिका के बाह्य लक्षण आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा कह रहा है कि जो हमारे श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं वो कौन कौन से अंग होते हैं, तो नाक होती है, नासिका होता है, नासिका गुहा होता है, फिर इसके बाद आप पीछे की तरफ जाएंगे तो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया जो है पीछे की तरफ आपका खुलता है लंग्स में। ये लंग्स जो होता है वो वक्षीय कटहरे में, ठीक है ना, वक्षीय कटहरे में डायफ्राम के ऊपर जो है और ये पसलियों के बीच में एक बड़ा ही सुरक्षित कक्ष होता है, उसके अंदर हमारा लंग्स पाया जाता है। और लंग्स में मुख्य रूप से दो लोब होते हैं, वो स्ट्रक्चर हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद कह रहा है कि ग्रसनी, ये नासा गुहा जो है ये आपका, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये नासा गुहा है और ये मुख गुहा है, तो ओरोफेरिंग्स है ना, ओरोफेरिंग्स, तो इसको हम बोलेंगे नासोफेरिंग्स, नासोफेरिंग्स और ये है ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ये नासोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स आ करके ये खुलता है इसमें, ये ग्रसनी में खुलता है, ये आपकी ग्रसनी है,
ठीक है। तो ये जो पोजीशन है आपका, यहां पे नासा गुहा है और ये क्या है, मुख गुहा है, ठीक है ना। ये यानी नासोफेरिंग्स और ये ओरोफेरिंग्स है ये, ठीक है। तो ये ओरोफेरिंग्स और नासोफेरिंग्स आ करके ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी जो है पीछे की तरफ है ना, स्वर यंत्र से होते हुए और ये खुल जाती है आपका जो है लंग्स में, ठीक है। तो ग्रसनी एक ऐसा अंग होता है, एक ऐसा भाग होता है जो 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बताया था, 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे नासा ग्रसनी नासोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स जो है आके खुलते हैं। एक 13 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है और जब ये नीचे जाता है तो स्वर यंत्र से होते हुए ये आगे की तरफ ट्रेकिया में और लंग्स में खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, जो मुख गुहा है और नासा गुहा है, दोनों का छिद्र आ करके एक जगह खुलता है, एक जगह मिलता है। तो इसलिए कह रहा है कि हम भोजन करते समय हम सांस भी लेते हैं, दोनों काम करते हैं। तो बाय चांस अगर भोजन जो नली है उसमें भोज्य पदार्थ न जा करके अगर चला जाएगा आपके ट्रेकिया में या लंग्स में चला गया, तो वो हमारे लिए डेंजरस होता है, इससे जो है व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एपिग्लाटिस नामक संरचना होती है, घाटी ढापन जिसको कहते हैं। तो जैसे ही हम भोजन निगलते हैं, उस निगलने के दौरान अगर सांस ले रहे हैं तो उस निगलने के दौरान ऐसा ना हो कि निगलते समय भोज्य पदार्थ हमारी श्वास नली में चला जाए। ये घाटी ढापन ऐसे ही होता है और जा करके वो श्वास नली को ढक देता है। अब जब श्वास नली को ढक देता है तो पोषक तत्व तो जो है वो सरक करके चला जाता है ग्रसनी से आसाफेगस में और फिर अमाशय में। तो यहाँ पे घाटी ढापन जो होता है वो भोज्य पदार्थ को निगलते समय श्वास नली को ढकने का कार्य करता है, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो हवा तो हम मुख से भी ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं, दोनों से भी हम हवा ले सकते हैं, लेकिन मुख से हवा लेना या ऑक्सीजन ग्रहण करना यह हानिकारक होता है अपेक्षाकृत नाक से। यानी हमें नाक से ही बाहरी हवा को अंदर लेना चाहिए। और इसको लेने का मतलब है कि हम इसलिए लेते हैं नासा गुहा में नाक के द्वारा, क्योंकि नासा गुहा में आप देखेंगे तो सिनेडेरियम कला होती है और इसके अलावा बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, सेलेस्म का सिक्रीशन होता है। तो सेलेस्म के साथ मिल करके जो बाहरी वायु में मिले हुए बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो जैसे ही अंदर नासा गुहा से जाते हैं तो सेलेस्म में चिपक करके रोम से चिपक जाते हैं और फिर वो श्वास नली में न जा करके और वहीं पे वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हवा हम बाहरी हवा लेते हैं वो नाक के द्वारा ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि अगर हम मुख के द्वारा हवा लेते हैं तो उसमें धूल के कण भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं और ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हमें नाक के द्वारा ही श्वसन की क्रिया को चालू रखना चाहिए या उसे श्वसन की क्रिया को करना चाहिए। तो आगे हम स्वर यंत्र जो पीछे की तरफ, जो ग्रसनी पीछे की तरफ स्वर यंत्र में खुल रही है, स्वर यंत्र क्या होता है, किस तरह की संरचना होती है, उसको हमने इसका अग्र और पश्च दोनों दृश्य दिखाने का प्रयास किया है। देखिए स्वर यंत्र में सबसे ऊपर की तरफ ये जो आपका अग्र मतलब एक तरह से दृश्य है और ये पश्च दृश्य है, तो आगे से एक भाग दिखाया गया है और ये पीछे से दिखाया गया है। तो एपिग्लाटिस, ये संरचना देखिए एपिग्लाटिस की होती है और ये एपिग्लाटिस क्या करता है कि जब भोजन को हम निगलते हैं उस निगलने के दौरान जो है ये श्वास नली को ढक देता है। इसके नीचे जब आप आओगे तो ये है आपका हाइवाइड बोन। ये कौन सी बोन है, हाइवाइड बोन होती है, ये हाइवाइड बोन है। फिर नीचे जब आप आएंगे
तो थायरोहायोइड लिगामेंट पाया जाता है। देखिए स्वर यंत्र में 9 उपास्थियां पाई जाती हैं। कितनी उपास्थियां होती हैं? 9 उपास्थियां, जिसमें कि 3 जो है गैर जोड़ीदार उपास्थियां होती हैं, और ये उपास्थियां जो है इसका निर्माण करती हैं पूरे मतलब स्वर यंत्र का। तो यहाँ पे गले में ये स्वर यंत्र का, तो यहाँ पे देखिए थायरोहायोइड लिगामेंट है ये, है ना। इसके बाद करा है कि ये जो पोजीशन है आपका थायराइड कार्टिलेज का है, थायराइड कार्टिलेज, और फिर यहाँ पे ये क्रिको थायराइड लिगामेंट, इसको बोलते हैं क्रिको थायराइड लिगामेंट, ये यहाँ पे है क्रिको थायराइड लिगामेंट। ये एक उपास्थि होती है, एक प्लेट होती है। फिर नीचे आप आओगे तो क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये ऐसी उपास्थि होती है, चौड़ी उपास्थि होती है, जिसको क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। और उसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे क्रिको ट्रैकियल लिगामेंट, ये क्रिको ट्रैकियल लिगामेंट होती है, और साथ ही साथ नीचे ये उपास्थियां पाई जाती हैं, ये जो ट्रेकिया का हिस्सा है ना, यहाँ से श्वास नली आपकी शुरू हो रही है, ये ट्रेकिया का हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं ट्रेकियल कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? ट्रेकियल कार्टिलेज। ये ट्रेकिया की जो उपास्थियां, चूंकि ट्रेकिया जो है उपास्थियां जो होती है उसकी छल्लेदार होती हैं, है ना, तो ये ट्रेकियल कार्टिलेज हो गया। अगर आप पश्च दृश्य में आप देखोगे तो यहां पे देखिए, यहां पे करा कि दो तरह के कार्ड्स होते हैं, कार्ड ओकल कार्ड्स यानी स्वर रज्जु जिसको बोलते हैं ओकल कार्ड्स। ये फाल्स ओकल कार्ड है, ये आपका जो है फाल्स ओकल कार्ड है, और इसको बोलते हैं ट्रू ओकल कार्ड। यहाँ पे ट्रू ओकल कार्ड है, ये क्या है? ट्रू ओकल कार्ड है, ये फाल्स ओकल कार्ड है, ठीक है। तो फाल्स ओकल कार्ड और ट्रू ओकल कार्ड का क्या कार्य होता है? कार्य है कि जो ट्रू यानी सत्य वाक रज्जु होते हैं वो बोलने में मदद करते हैं, यानी इनके द्वारा हम आवाज हमारी निकलती है, और जो असत्य ओकल कार्ड होते हैं वो बोलने में सिर्फ ट्रू ओकल कार्ड की सहायता करते हैं, यानी उनका विशेष रोल नहीं होता है, बल्कि वो एक कोऑपरेटिव होते हैं, सहयोगी होते हैं ट्रू वोकल कार्ड का, यानी सत्य वाक रज्जु का ये सहयोग करते हैं, ठीक है। और कैसे हमें हमारी आवाज कैसे निकलती है? जैसे फेफड़े से, है ना, फेफड़े से जब एयर बाहर आती है तो उस एयर की फ्रिक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है कितना प्रेशर है, और वो मतलब आवाज जो एयर होती है कितना तेजी से बाहर आती है। ये जैसे ही ट्रू वोकल कार्ड्स या सत्य वाक रज्जु से टकराती है तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, और यही कंपन जो है आगे परिवर्तित होकर के एक आवाज या साउंड में बदलता है। तो देखिए आवाज पतली भी हो सकती है, आवाज मोटी भी हो सकती है। किशोरावस्था के पहले तक बच्चों में आप देखेंगे कि नर और मादा यानी लड़के और लड़की की आवाज दोनों लगभग समान होती है, लेकिन जैसे किशोरावस्था आती है तो पुरुष की आवाज जो होती है वो मोटी होती है और स्त्री की आवाज पतली होती है। ये वोकल कार्ड के ऊपर निर्भर करता है जितनी मतलब